हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल आता है जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, जीरो पेंडेंसी कोर्ट के अंदर में जीरो पेंडेंसीज हो उसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कंटेक्स्ट के अंदर में किसके द्वारा चलाया गया। ये चलाया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया और इसकी रिपोर्ट हमारे सामने आती है, वही न्यूज़ के अंदर चल रही है कि फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर में क्या बोला गया, किस तरीके से कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर रिपोर्ट के बारे में कुछ देखेंगे। तो ये क्या है, एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि कितने लॉन्ग कोई केस अगर कोर्ट के अंदर आता है तो वो कितने लॉन्ग उसको लगेगा अगर जुडिशरी ओवरबर्डन ना हो। अगर जुडिशरी के अंदर में जितने जजेस हैं नॉर्मल लेवल के अंदर में उनको केसेस आते हैं जितने वो सुन सकते हैं, जैसे एक दिन के अंदर 10, तो वैसे केसेस के अंदर में एक केस को सुनने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो पूरा डिस्पोजल होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये स्टडी करेंगे एक्चुअल रियल टाइम फ्लो ऑफ केसेस, जब से केस हमारे पास आएगा और फाइनल डिस्पोजल तक कितना उसको टाइम लगेगा, और देखेंगे अगर डिले हो रहा है उसके अंदर में तो क्यों डिले हो रहा है उसके बारे में रीज़न देंगे, फिर इंश्योर करेंगे जीरो पेंडेंसी हो। कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे, जैसे मान लो इसके अंदर में इनके द्वारा बोला गया, रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि आप 43 जजेस इंक्रीज़ करो हमारे दिल्ली के अंदर में, जो 143 हैं उनसे 43 और ज़्यादा इंक्रीज करो। तो इनके द्वारा जीरो पेंडेंसी इंश्योर करने के लिए रिक्विजिट स्टेप लिए जाएंगे, जैसे जजेस की संख्या इंक्रीज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा यूज़ करके ये काम किया जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जीरो पेंडेंसीज केसेस हाई कोर्ट के द्वारा चलाया गया और आगे नेक्स्ट तो आपको समझ आ ही जाएगा जीरो पेंडेंसीज है। इनके अंदर बोला गया, दिल्ली के अंदर बोला गया कि यहाँ पे क्रिमिनल केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल केसेस, और बोला गया लेस नंबर ऑफ जजेस हैं हमारे पास, इसके कारण वर्कलोड जो है वो एक जज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इंडिया के अंदर में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जजेस की। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल, वो है सैक्रीन के ऊपर। तो सैक्रीन के बारे में न्यूज़ के अंदर में इसीलिए था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो था, कमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिकमेंड किया गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई सैक्रीन के इम्पोर्ट के ऊपर जो कि इंडोनेशिया से आता है। तो इसके बारे में देखेंगे, फर्स्ट सैक्रीन के बारे में समझेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है और फिर देखेंगे ड्यूटी क्यों लगाएगी उसके द्वारा। तो अगर सैक्रीन की बात करेंगे तो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिस तरीके से हमारे पास चीनी वगैरह होती है वो नेचुरल वाला होता है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। तो हमारे जो भी स्वीटनर्स होते हैं, जैसे नेचुरल की बात करेंगे फ्रक्टोज जो कि हमें फ्रूट्स के अंदर मिलता है, नेचुरली जो फ्रूट्स के अंदर मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं उनके अंदर में, मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में आता है फ्रक्टोज, और जो टेबल सॉल्ट जो शुगर वाली घर में हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास सुक्रोज आती है। लेकिन इनकी जो मिठास होगी वो थोड़ी कम होती है। अगर आपने कमर्शियल वे के अंदर यूज़ करना है तो साइंटिस्ट के द्वारा नई काइंड की आर्टिफिशियल तरीके से शुगर खोजी गई हैं जो कि इनके मुकाबले के अंदर में काफ़ी गुना ज़्यादा मिठास होगी और कम क्वांटिटी में यूज़ करने से भी आपको मिठास मिलेगी। तो उसी टाइप की एक शुगर का नाम है सैक्रीन। तो सैक्रीन एक आर्टिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव, इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती आपको, तो मतलब इससे मोटे होने का खतरा भी नहीं होता। तो ये हमें आर्टिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1878 में एक रिसर्च कॉन्स्टेंटीन फेलबर के द्वारा। और एप्लीकेशन क्या होती हैं, इसको यूज़ करते हैं हम स्वीटनर की तरह, शुगर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इससे, जैसे हम ड्रिंक्स के अंदर में यूज़ करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स में, कैंडीज, कुकीज, मेडिसिन, इनके अंदर में यूज़ करते हैं सैक्रीन को। अब इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एंटी डंपिंग जैसे नाम से पता लग रहा है डंपिंग और एंटी, तो डंपिंग को रोकने के लिए एंटी ड्यूटी लगाई गई उसके ऊपर। ड्यूटी मतलब कोई टैक्स लगा दिया गया, उसके रेट इंक्रीज़ कर दिए गए। तो एंटी डंपिंग, डंपिंग का क्या मतलब, डंपिंग का मतलब कोई कंट्री उसके कंट्री मतलब उस कंट्री होम कंट्री के अंदर में 10 रुपये की चीज़ है और उनके द्वारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है उसकी, या उनकी इकनॉमी में स्लो डाउन आ गया है, उनकी जो इंडस्ट्री वगैरह थी वो मतलब अपने पीक पे परफॉर्म कर रही है, अब वो देख रही है कि कहीं पे डंप करने के लिए कि 10 रुपये में हम तो यहाँ पे बेच रहे हैं, अब कोई सस्ते माल में किसी कंट्री के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा उसको डंप कर दें ताकि अपना माल हम निकाल दें, तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर में 5 रुपये में डंप करना शुरू कर देंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मान लो इंटरनेशनल जो प्राइस था वो 10 रुपये तक था, आपकी कंट्री के अंदर में मान लो 15 रुपये प्राइस है या 8 रुपये प्राइस है, 10 रुपये प्राइस है, बाहर से जब 5 रुपये पर आएगा तो आपकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, उसमें आपकी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो उसे बोलते हैं डंपिंग, डंप करना दूसरे की कंट्री के अंदर में। तो डंपिंग का मतलब कि ऐसे प्राइस के ऊपर आप डंप करोगे जो कि डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस से कम है। अब इसको चेक करने के लिए लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब जब इंपोर्ट करने लगोगे आप उस टाइम आप टैक्स इंक्रीज़ कर दोगे, तो ये एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं आप उस टाइम टैक्स इंक्रीज़ करते हो ताकि आप डंपिंग को रोक सको। और WTO के द्वारा परमिट किया गया है इस टाइप की ड्यूटी लगाना, कब, जब एक्सपोर्टर डंप कर रहा हो गुड्स को, मतलब कम प्राइस के ऊपर डाल रहा हो आपके कंट्री के अंदर में, और वो जो है जो आपके कंट्री के अंदर डाला जा रहा है उसके कारण आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।
और इसको इम्पोज कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इम्पोज इसको रिकमेंड कौन करेगा और इम्पोज कौन करेगा, दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए दो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। फर्स्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसको रिकमेंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़, इनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आए कि इनके द्वारा अप्लाई किया जाता है तो वो गलत हो जाएगा, अप्लाई किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब न्यूज़ के अंदर इसीलिए था, इंडोनेशिया के द्वारा डंप किया जा रहा था और उसके ऊपर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि इंडोनेशिया बिलो उनके जो नॉर्मल वैल्यू है, जितने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं उससे ज़्यादा ये हमारी कंट्री में डंप कर रहे हैं, तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है विशाल के ऊपर। तो विशाल की न्यूज़ इसीलिए आई क्योंकि हम यूके से परचेज कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उनसे परचेज करने की बात चल रही है। जो वहाँ से आएगा उसका नाम रखेंगे हम विशाल आने वाले टाइम में जब उसको परचेज करेंगे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब कि एयरक्राफ्ट को कैरी करने के लिए इतनी बहुत बड़ी शिप होती है, मतलब ऑलमोस्ट सबसे बड़ी शिप होती है ये, जो नेवी की बात करेंगे इंडियन नेवी की या किसी भी नेवी के अंदर में बड़ी शिप जिसके ऊपर आप एयरक्राफ्ट वगैरह लादोगे। और एयरक्राफ्ट वैसे जनरली उनकी रेंज होती है फ्यूल वगैरह भर के, कितनी रेंज में अटैक कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे अटैक करना है किसी के ऊपर में, जैसे दूसरी कंट्री में मिडल ईस्ट के अंदर आप जाओगे अटैक करने या अफ्रीका के अंदर या यूएस के ऊपर, तो वैसी कंडीशन में आपके एयरक्राफ्ट को इसके ऊपर रखा जाएगा और वो इसको लेके जाएंगे। तो ये लेके आ रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, हम लेके आएंगे ब्रिटेन से, जो कि है इनकी क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। तो इनका हमने ये हमें प्रोजेक्ट देंगे, डिज़ाइन वगैरह देंगे उसका किस तरीके से बनेगा, और उसको इंडिया के अंदर में बनाया जाएगा और यूके की कंपनी उसके लिए पार्ट वगैरह सप्लाई करेंगी। तो जब ये इंडिया में आएगा तो मतलब ये कॉपीकैट एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका नाम रखेंगे INS विशाल। 2022 तक अगर ये आएगा तो INS विशाल इसका नाम रखेंगे और 65 इंडिया के अंदर में जितने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनमें सबसे बड़ा होगा ये, 65,000 टन वेट होगा इसका। और हमारे पास अभी प्रेजेंट के अंदर में INS विक्रमादित्य है जो कि 45,000 टन वेट का है, जो हमने रशिया से लिया हुआ है 2004 में। और उसके अलावा हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा 40,000 टन वाला INS विक्रांत, तो ये हमारा थर्ड होगा INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर। नेक्स्ट न्यूज़ आती है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के बारे में। तो सबसे पहले बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट क्या होते हैं उनके बारे में पता कर लेते हैं। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट हमारे ऐसे पर्सन होते हैं, कोई रिटेल एजेंट होते हैं, मतलब बैंक के द्वारा कोई बैंक के द्वारा बोला गया हम जैसा काम करते हैं, डिपॉजिट वगैरह करना, छोटा मोटा लोन की सर्विसेज करना, उस टाइप का काम आप हमारे लिए कर दो। और इनको बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट इसीलिए बोला गया क्योंकि ये हमारे बैंक के जहाँ पे बैंक की लोकेशन है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, जहाँ पे ATM है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। कोई मतलब जैसे मान लो दुकानदार है, कोई काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, वहाँ पे कोई दुकानदार, कोई एक्स सर्विसमैन, कोई पेंशन ले रहा है पर्सन, गवर्नमेंट जॉब के अंदर था, उस पर्सन को बोल दिया जाएगा, उसको डेजिग्नेट कर देंगे बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। अब वो जो हैं वो पर्सन काम करेगा बैंक के थ्रू, बैंक के साथ में वर्क करेगा और डिपॉजिट वगैरह लेने के लिए जैसे क्या क्या काम कर सकता है, वो काम कर सकता है बोरोअर जो होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, कलेक्शन प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग करना, लोन की एप्लीकेशन की कलेक्शन करना, छोटे छोटे डिपॉजिट वगैरह वो ले सकता है, छोटे वैल्यू के वो लोन दे सकता है और माइक्रो इंश्योरेंस सेल कर सकता है 50,000 से कम वाली, म्यूचुअल फंड, पेंशन प्रोडक्ट, इनसे वो पर्सन डील कर सकता है। तो जिस तरीके से बैंक अब हर प्लेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकता तो वो कुछ पर्सन को वहाँ पे लगाएगा काम के लिए। तो न्यूज़ के अंदर क्यों आ रहे थे ये, न्यूज़ के अंदर इसीलिए आ रहे थे क्योंकि जो लेटेस्ट के अंदर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है या आधार से पेमेंट जो की जा रही है पॉइंट टू सेल मशीन से, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं, वैसी कंडीशन के अंदर इनको जो कमीशन मिल रहा था, इनको जो जर्नल कमीशन मिलता है 0.5% पेमेंट का या 15 रुपये, वो कमीशन उससे भी कम इनको कमीशन मिल रहा था। और बोला जा रहा था जो इनको पहले से कमीशन मिलता है वो अनवायबल है इनके लिए, वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे उसके कारण। तो रूरल एरिया के अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इनको, तो वही बोला गया कि इनके लिए एक्टिव इनको एक्शन लेना काफ़ी टफ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में इनके लिए मतलब कुछ ना कुछ किया जाए। तो आपको पता होना चाहिए एक तो इनके लिए क्या क्या एक्टिविटी परमिटेड हैं, क्या क्या कर सकते हैं, दूसरा इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पर्सन एंगेज कर सकते हैं एज अ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट या बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट। तो उनके बारे में वैसे इतनी सारी लिस्ट है लेकिन जो रेड रेड कलर के अंदर है वो याद कर लेना, IAS के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर डायरेक्ट। ऐसे इंडिविजुअल जैसे रिटायर्ड बैंक के एम्प्लॉय वो एंगेज कर सकते हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, इंडिविजुअल जो छोटी छोटी किराना शॉप होती है उनकी, मेडिकल फेयर प्राइस शॉप, तो उस टाइप की वो एंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने सारे हैं लेकिन आप जो रेड रेड में हैं वो याद कर लोगे तो काम चल पड़ेगा। कॉमन सर्विस सेंटर वाले कर सकते हैं, सेक्शन 25 की कंपनीज कर सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर सकती हैं, पोस्ट ऑफिस ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसी कंपनी जो कि 2013 के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उनके नीचे मतलब जैसे मान लो बड़ी सी कंपनी है उनकी रिटेल आउटलेट काफ़ी ज़्यादा हैं जैसे पतंजलि वगैरह, तो
उस टाइप की कंपनी जिनके रिटेल आउटलेट काफ़ी ज़्यादा होंगे वो इसमें एंगेज कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसमें एंगेज नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट नहीं लेती, जो कस्टमर से डिपॉजिट नहीं लेती, वो इसमें एंगेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्यों है, क्यों इसको बनाया गया, बिकॉज बैंक हर प्लेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकता, इतना वायबल नहीं होता कि आप हर प्लेस के ऊपर बैंकिंग शाखा ओपन करो। लेकिन अगर आपने छोटे मोटे डिपॉजिट ये सब काम, मतलब छोटी बैंकिंग इनके द्वारा की जा सकती है, पूरे तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट आता है वेला। तो INS वेला के बारे में न्यूज़ थी, हमारी स्कॉर्पिन क्लास, अगर आपको इसके बारे में पता हो, वैसे 2-3 साल से न्यूज़ में है, तो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन की बात करेंगे जो इंडिया फ्रांस के साथ में मिलकर बना रहा है, उसकी फोर्थ, उसमें 6 सबमरीन बनेगी, उसकी फोर्थ हमारी INS वेला लॉन्च किया गया 6 मई 2019 को। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फोर्थ सबमरीन है ये प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 के बारे में बात करेंगे। तो क्या है प्रोजेक्ट 75? स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बनाई जा रही हैं 6 फ्रांस के साथ में मिलके। कौन बनाएगा? मेजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डर लिमिटेड प्लस फ्रांस। तो फ्रांस के साथ में मिलके बना रहे हैं, बना हम अंदर अपनी कंट्री के अंदर बना रहे हैं। टाइप कौन सी होंगी? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सबमरीन हमारी एक तो न्यूक्लियर हो सकती है, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से चलेगी वो, दूसरी हमारी डीजल से, जिसके अंदर में डीजल इंजन से हम अपनी बैटरीज को चार्ज करेंगे और उससे रन करेंगे। तो डीजल से इलेक्ट्रिसिटी बना के चार्ज करेंगे इनको और फिर उससे हम रन करेंगे। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की सबमरीन्स हैं जो कि साइज़ में छोटी होंगी न्यूक्लियर से। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सब काम कर सकती है ये, जैसे क्या कर सकती है, सरफेस के ऊपर वॉर कर सकती है, सबमरीन के ऊपर अटैक कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकती है, माइन लेइंग कर सकती है, एरिया सर्विलेंस कर सकती है। तो इस टाइप की हमें देखने को मिलेगी INS वेला। तो फोर्थ आ गई, अब दो हमारी नेक्स्ट आने वाली हैं, इसमें छः आएंगी टोटल, इसमें 2020 के अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो तब तक हमारी दो और आएंगी। अभी नेक्स्ट न्यूज़ आती है INS रंजीत के लिहाज से। तो INS रंजीत के बारे में पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर इस टाइप की शिप्स होंगी जो कि जैसा नाम से पता लगा है डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब इनके ऊपर काफ़ी हैवी वेपन आप यूज़ करोगे और ये मेनली अटैक करने के लिए बनाई जाती हैं या डिफेंड करने के लिए। जैसे ये हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है सेंटर के अंदर में, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको बचाने के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कुछ खास वेपन नहीं होते उसको बचाने के लिए, ये मेनली कैरी करने के लिए होता है एयरक्राफ्ट वगैरह को, तो उसको आपको नहीं प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट उसके साथ में लगाते हो, उनको एस्कॉर्ट करते हो। अगर आपने मान लो कोई मिशन के लिए भी जा रहे हो, यमन के अंदर आपने अपने भारतीयों को छुड़ाना है, तो अगर आप अटैक करने जाओगे या किसी और मिशन के लिए जाओगे, पाकिस्तान के साथ अटैक होता है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर जाएगा एयरक्राफ्ट को लॉन्च करवाने के लिए और उसके साथ में जाएंगे बेड़े के अंदर में हमारे डिस्ट्रॉयर। तो ये जो डिस्ट्रॉयर है INS रंजीत, इसको डीकमीशन कर दिया गया, तो इसकी 36 ईयर की सर्विस हो चुकी है, USSR से हमने इसको लिया था, और ये जो है जैसा लिखा हुआ डिस्ट्रॉयर है, ये मैन्यूवरिंग घूम सकता है, काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल दिखा सकता है कलाबाजियाँ, एंड लॉन्ग इंड्योरेंस इसके अंदर में, काफ़ी फ्यूल वगैरह मतलब ठीक होगा, काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, और ये लार्ज वेसल को एस्कॉर्ट करेगा जैसे फ्लीट, कॉन्वॉय, बैटल ग्रुप, और डिफेंड करेगा उनको, अटैकर वगैरह होंगे उनसे डिफेंड करेगा। तो USSR से लिया गया था, 36 ईयर की सर्विस इसकी हो चुकी है। नेक्स्ट आता है 3D प्रिंटेड स्किन। तो कंटेक्स्ट है हमारे IIT दिल्ली के द्वारा सक्सेसफुली 3D बायो प्रिंटिंग की गई स्किन की। तो स्किन का मॉडल बनाया गया उनके द्वारा 3D प्रिंटिंग। तो 3D मतलब कि 3 डायमेंशन में होगा और प्रिंट किया गया स्किन को। वैसे जनरली क्या होता है, 2D प्रिंटिंग होती है हमारे पास में। 2D में क्या होता है, जैसे आप प्रिंटर के पास में जाते हो, आपको अगर कोई फोटो स्टेट करवानी है तो उसको फोटो स्टेट करवाओगे और आपको पेपर की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन वही अगर आपको 3D की फॉर्म के अंदर मिले, आप 3D चीज़ों को प्रिंट कर पाओ, तो उसको बोलेंगे 3D प्रिंटिंग। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास में मशीन है जिससे 3D प्रिंटिंग की जा सकती है। तो ये मशीन है, अब यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर यहाँ से आप मटेरियल है, इस मशीन के अंदर में मटेरियल है, इसके अंदर में आप पेन ड्राइव या किसी और तरीके से एक 3D प्रिंटिंग मॉडल इसके अंदर में लगाओगे, मतलब जो चीज़ प्रिंट करना चाहते हो उसका एक 3D प्रिंटिंग आपने स्कैन करके रखी हुई इमेज, उसको आप अटैच करोगे। जब मशीन को पता लग जाएगा क्या मैंने प्रिंट करना है, उसके बाद जो मटेरियल होगा इसमें, जैसे जिस मटेरियल से बनाओगे, जैसे मान लो मिट्टी से बना रहे हो, तो आपने इसमें मिट्टी डाल दी, उसके बाद वो आपने कनेक्ट किया इसके साथ में, जब इसको ऑन करोगे तो ये वहाँ से इसको पता है कौन सी चीज़ मैंने बनानी है और ये यहाँ पे 3D प्रिंट कर रहा है इन चीज़ों को। तो ये नॉर्मल 3D प्रिंटिंग है जिसके अंदर में हम कोई और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ऑटोमोबाइल के अंदर में, कंस्ट्रक्शन के अंदर में, तो उससे हम 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो 3D प्रिंटिंग है, ये है इसी टाइप की 3D प्रिंटिंग करेंगे, जहाँ पे मिट्टी डाल रहे थे वहाँ पे कुछ और डालेंगे और उससे क्या करेंगे, ह्यूमन की जो स्किन होती है वो बनाएंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। IIT के द्वारा बनाया गया 3D प्रिंटिंग
ऐसी प्रोसेस होगी जिसके अंदर में हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो उसके लिए हम मटेरियल, जिस मटेरियल से बनाना है उसको डालेंगे और उससे हम थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये जो इनके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया बायो इंक से, मतलब ये 3D प्रिंटिंग नॉर्मल भी है जिसे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, सीमेंट वाली कंस्ट्रक्शन एंड अदर चीज़ें, बट ये वाली अलग टाइप की है। इसमें जब आप बॉडी की बात करोगे तो बॉडी को तो सीमेंट से नहीं बनाओगे, आप ऐसी स्किन बना रहे हो जो कि नेचुरल है, जो कि जिसको आप मतलब ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो अगर एडवांस वे के अंदर बनी हुई है। तो उसके लिए यूज़ होती है बायो इंक। बायो इंक का मतलब जो आप मिट्टी यूज़ कर रहे थे एज अ मटेरियल, सीमेंट कर रहे थे एज अ मटेरियल, उसकी जगह बायो इंक यूज़ करोगे जब आपने बॉडी के पार्ट बनाने हैं। तो बायो इंक के अंदर में लिविंग सेल होंगे और उसके साथ में आप पॉलीमर वगैरह उसको नरिश करने के लिए यूज़ करोगे और वो मोर लाइक लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और उससे हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर में बायो इंक से हम 3D बायो प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे इनके द्वारा जो बनाया गया होगा इस टाइप से, जैसे ये हमारे पास ईयर बनाया जा रहा है इनके द्वारा। तो जो आपको ये यहाँ पे कीप दिखेगी, इसके अंदर में लिविंग सेल होंगे, इसके अंदर में लिविंग सेल होंगे प्लस उसके अंदर में पॉलीमर होगा उसको नरिश करने के लिए। तो आप इस टाइप से शेप बनाओगे, उसके बाद में जो हमारे सेल हैं वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर जाएंगे यहाँ पे, और जिस तरीके का ईयर होता है उस टाइप का आप ईयर बना सकते हो ह्यूमन के लिए और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हो, नई स्किन बना सकते हो, ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। ऑर्गन तो अभी नहीं बनाए जा सकते, काफ़ी एडवांस लेवल का है, लेकिन बनाए जा सकते हैं, फ्यूचर में पोटेंशियल है। जिस तरीके से केक बना सकते हैं इस टाइप से, उसी टाइप से इसको बनाएंगे। एप्लीकेशन क्या है जो इनके द्वारा स्किन बनाई गई उसकी, एक तो आप कॉस्मेटिक को टेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज वो ह्यूमन की स्किन है, आप उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। आप टेस्ट कर सकते हो कोई और डर्मेटोलॉजी ड्रग्स जो कि ह्यूमन स्किन के ऊपर यूज़ करनी थी तो उसको यूज़ कर सकते हो उनको, और स्किन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसके अलावा बायो प्रिंटिंग के और क्या यूज़ हो सकते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है बेचारे उनके ऊपर जो टेस्टिंग करते हैं ड्रग्स की, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने आर्टिफिशियल हार्ट क्रिएट किया, लंग्स क्रिएट किए, हालांकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर में ये भी पॉसिबल होगा। तो आप एनिमल को रिप्लेस करके उनके ऊपर टेस्ट ना करके ऐसे ऑर्गन के ऊपर टेस्ट कर पाओगे, ऑर्गन बना सकते हो फ्यूचर के अंदर में और उनका ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो ये सब हमारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, थैंक यू।